दीवार को, पेड़ आदि को घिसते हैं तो वो घिस जाता है और शरीर भी ऐसे ही घिस जाता है, पर दोनों में अंतर क्या होता है? दीवार दोनों ही घिसने वाले हैं, पर अंतर क्या है? यही जो है विशेषता शरीर में जीवात्मा के रहते हुए इसकी कुछ क्षतिपूर्ति होती है। ये क्या है? चेतन निमित्तक है। एक चेतन के लिए कोई और चेतन कृपालु है, उसकी दया के कारण से ऐसा संभव हो सकता है। यानी यह एक प्रतिक्रिया है, देख करके जानबूझ करके संतुलन ऐसा किया गया है। क्योंकि इसके क्या होते हैं, जो चेतन है अगर इसके शरीर की क्षतिपूर्ति थोड़ी भी नहीं होती तो क्या होता, वो निरंतर क्षीण होता जाता और शीघ्र नष्ट हो सकता था। उसके कारण से क्या है, उसके भोग असमान हो जाते, बिल्कुल अधिक क्षीण होने पर जैसे हो जाते हैं तो उसके भोग अति असमान ना हो जाए, इसकी सुरक्षा के लिए जितना संभव है उतनी संभावना के कारण से ईश्वर के द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। इससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि ऐसा और किसी के द्वारा संभव नहीं है। शरीर स्वयं नहीं कर सकता, जैसे दीवार नहीं करती है, लेकिन दीवार में भोग की कोई वो हानि की संभावना नहीं है, इसलिए वहाँ क्षतिपूर्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ शरीर में आवश्यक हो जाता है।
शरीर अगर ठीक नहीं हो तो ये तो, क्योंकि ऐसी हानियां निरंतर होती रहती है। आपको ये याद है कि कई बार आप मरते मरते बच गए हैं, कितने बार का? ऐसा कई बार हो जाता है जिसमें कि मरते मरते बच जाते हैं किसी न किसी। कितने चोट लगती है इसमें, कितनी क्षति होती। मान लो कि इसकी क्षतिपूर्ति बिल्कुल नहीं होती तो अब तक शरीर कैसा रहता? ऐसे चादर है, मतलब कपड़े हैं, इसको मत धो। फिर देखो एक सप्ताह में कैसा होगा ये, एक महीने में कैसा हो जाएगा। ऐसे ही शरीर के ऊपर भी अगर इसमें क्षतिपूर्ति नहीं होती, रोज नहीं बदलते इसके अवयव, ये चमड़ी है ना, रोज बार बदल के आ जाती है, नहीं इसमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, तभी ये ऐसा के ऐसा दिखता है। क्योंकि जैसे श्वास लेते हैं तो वायु कौन से अच्छी जाती है अंदर और निकलती है कैसी, वो अत्यंत दुर्गंधित निकलती है। तो वो दुर्गंध कहाँ से बनता है उसमें? वो वस्तुतः शरीर के ही अवयव होते हैं उसमें, जो अति सूक्ष्म अवयव होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं और उस श्वास के कारण से फिर वो बाहर आ जाते हैं। यदि ये प्रक्रिया वहाँ नहीं चलती, श्वास प्रश्वास वाली, तो क्या होता? उतना सारा कूड़ा वहीं रहता। इससे क्या होता है, वो कितने सूक्ष्म होते हैं वो, और निश्चित है वो शरीर से आ रहे हैं, रक्त से आ रहा है, हड्डी से, मांस से, सबसे निकल के धीरे धीरे करके वो पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से फिर वो फेफड़े में आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। यानी पूरे शरीर के अवयव अति सूक्ष्म रूप में भी क्षीण होते हैं और श्वास प्रश्वास कितनी कितना चलता है, लगातार चलता है, लगातार क्या है, इसमें निकल रहा है वो। तो अगर इसमें बदलता नहीं तो क्या हो जाता है फिर? अब तक खाली हो जाता, उड़ जाता अब तक। और इतना जो खा रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, इतना इतना है, वो अगर इसमें नहीं मिलता तो कैसा हो जाते? इसी में बैठते जाते, बैठते जाता, अब तक कितना बड़ा पहाड़ बनता। तो रोज खा रहे हैं वो भी ऐसे, मतलब इकट्ठा नहीं हो रहा है ढेर की तरह। तो एक ओर से इसमें जाना भी हो रहा है और एक ओर इसमें से निकलना भी हो रहा है। निकलने के भी अलग अलग स्तर के कूड़े हैं, बहुत स्थूल भी है, पानी जैसा भी है। तो
इन सभी प्रकारों को देखें और भोजन को, दोनों की प्रक्रिया को। तो अब देखिए कितना हो रहा है ये गति, एक तरफ से पूरी नदी आ रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, लेकिन फिर भी ये टिका हुआ है। तो अब जो आया फिर निकला, तो वो बीच और ये टिका हुआ भी है, तो इससे क्या निकलता है? हाँ, कुछ निकलते हैं, कुछ बैठते हैं। तो कम से कम ये तो हो गया ना कि सारा का सारा नया भी हो रहा है, पुराने निकल रहे हैं, नए इसमें बैठते जा रहे हैं। इसी कारण से फिर क्या है, शरीर ज्यों का त्यों दिखता रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बिल्कुल बदल जाता, बदला हुआ होता। जैसे ये साल भर में जैसे खाल होते हैं वृक्ष के, वो कैसे हो जाते हैं, सारे अलग अलग हो जाते हैं। और इसकी पपड़ी तो रोज नहीं निकल, वो निकल साल भर में तो नहीं होते हैं। नहीं, वो पपड़ी नहीं बन रही है ना, जैसे छाल बनते हैं उसके, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि रोज निकलता है ये, प्रतिदिन निकलता है। तो इससे क्या हुआ कि इसमें सतत यानी आने जाने की प्रक्रिया हो रही है। ये शरीर जैसे दिख रहा है ना चुपचाप खड़ा, दीवार की तरह नहीं है खड़ा है, इसमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो इससे अब ये होता है कि इसमें रचना विशेष है। अगर ऐसा निरंतर परिवर्तन इसमें नहीं होता तो क्या होता है, एक जैसा ही रह जाता है, जैसे दीवार अपनी एक जैसी है। शीशे फूट गए ना अपने खिड़की के, जब तक नहीं बदलेंगे वो नहीं बदलेगा, वैसा ही रहेगा, ऐसे ही शरीर हो जाता। कांटा लग गया तो लग गया, खड्डा हो गया तो हो गया, ऊंचा हो गया तो हो गया, वैसे ही रह जाता है। तो अब इससे बचाने के लिए इसको इस रूप में, अब ये देखिए कि कितना करना पड़ा होगा इसके लिए। इस शरीर को बचाने के लिए हमारे जो भोग हैं उसको सतत एक रस प्रवाह उसका सुरक्षित रखने के लिए इसमें कितना पुरुषार्थ लगा होगा ईश्वर का। अब इतना जो कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। अब इससे फिर क्या बात आ जाती है कि हमको कोई देखता है, जानता है कोई, इस कारण से हमारी अपेक्षा के अनुकूल वो प्रतिक्रिया करता है। हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप उसने ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे हमारी अनुभूति का एक प्रवाह चलता रहे। इसलिए ये जो शरीर है वो केवल एक ढेर मात्र नहीं है, रचना मात्र नहीं है, ये चेतन की दया भी है, अनुकंपा है। अन्यथा जैसे ये पड़े हुए बने हुए अपना है, ठीक है,
ऐसा नहीं है ये, इससे मिलता जुलता भी है लेकिन बहुत विशेष है, ज़्यादा है। तो ऐसे ही दीवार को, वृक्ष को, अपने शरीर को देख करके इसमें जो परिवर्तन निरंतर हो रहे हैं, एक तो देखना चाहिए कि अगर इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती तो हमारी क्या स्थिति होती, यानी ये जो सुरक्षित होता है कितने दिन तक चल जाता है, यानी इस पर कितनी आपत्ति आती है, कितनी विपत्ति आती है इस पर, और इतनी विपत्ति की रहते हुए 100 साल तक ये खींच जाता है। एक तो है फिर भी हम और कर देते हैं इसके ऊपर अत्याचार, 100 साल चलने ही नहीं देते इसको, फिर नहीं कितना बचाया है उसने तब तो इतना दूर ये चला जाता है, और उसने अगर नहीं बचाया होता तो क्या करते, एक दिन में आते हो चले जाते बस, एक तो आते ही नहीं, मान लो आ भी गए तो चले जाते हो। तो इससे अब क्या होता है कि हमारा प्रत्येक दिन, एक एक दिन जो होता है वो एक प्रकार से ईश्वर की विशेष अनुकंपा है। वो आगे से आगे जो हमारा शरीर बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ने के लिए उसने विशेष पुरुषार्थ हमारे लिए कर रखा है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं हो पाता है। जब हम उपासना में बैठते हैं या ध्यान करते हैं तो ईश्वर को समझने के लिए या ईश्वर से निकटता बनाने के लिए इस प्रकार से तुलनात्मक चिंतन करना चाहिए। वो चाहे दीवार को देख के कर सकते हैं, चाहे पेड़ को, वृक्ष को, वनस्पति को, या अपने वस्त्र को शरीर के साथ तुलना करने से ऐसी कई चीज़ें सामने आती हैं। इससे एक बात ये भी आती है कि ये जो घिसता है वो, इसके जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, इतना जब घिस जाता है तो उसमें कितने कण होते होंगे, तो ऐसे पूरे शरीर को गिने तो कितना होगा, कितना छोटा होगा, अब हमारे शरीर में इतने सारे कण हैं, टुकड़े हैं, तो अब इसकी तरफ से गिनते जाओ थोड़े थोड़े तो प्रकृति पर्यंत ये कितने होंगे, और हमारा जो भी टूटता है कम से कम बहुत स्थूल होता होगा, प्रकृति की गुना कितना होगा स्थूल, तो इसकी अपेक्षा प्रकृति की सूक्ष्मता कितनी होगी, इससे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, नहीं थोड़ा सा हम इसको घिसते हैं तो भी हजारों लाखों आ जाते हैं, और इतना मतलब सूक्ष्म होने पर भी, जबकि ये प्रकृति का कई गुना है, तो प्रकृति कितनी मोटी होगी, वो कितनी सूक्ष्म होगी, और आत्मा जो हम हैं वो उससे आगे हैं, तो हम कितने होंगे, यानी कि यहाँ से हमारी बुद्धि बिल्कुल ठप हो जाती है,
इकाई को हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर से अब वो देखना है कि उसी सूक्ष्म को फिर से उसने जोड़ा है, यानी कितना गुणा किया होगा, कितना गणित किया होगा, कितने बार बनाया होगा इसको परत पर परत बनाने के लिए। एक बार में रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि अलग अलग परत की चीज़ें एक साथ तो बनेगी नहीं। फिर हड्डी में रक्त बाहर से तो डाला नहीं जा सकता है उसको, तो वो अलग अलग बार ही बनेगा, एक बार नहीं बनेगा। तो इस कारण से सृष्टि की रचना में इतना सारा समय भी लगना अनिवार्य हो जाता है। तो अब इसी से पता लगता है कि ईश्वर की बुद्धि यानी ईश्वर के पास कितना ज्ञान होगा, वो अनंत ज्ञान जो रखता है। अब हम अनंत का भी अनंत कह सकते हैं उसका, कोई हमारे पास उसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती इकाई के रूप में। तो मोटे मोटे रूप में ही हम उसको जान सकते हैं, लेकिन इससे इतना अवश्य होता है ज्ञान, एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक शक्ति है, एक चेतना विशेष अवश्य है, जिसके बिना ये सारा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो है कि ये अनंत है, एक नहीं है, अनेक है। फिर ये एक साथ जुड़ते हैं कैसे, कोई एक अगर नहीं होता जोड़ने वाला आपस में इतनों का संतुलन नहीं बनता, सब उलझते उलझे रहते हो। इसलिए एक भी है जो इतना बड़ा है और ये अनेक भी हैं, दोनों ही हैं, और तीसरा तो है ही एक। इस प्रकार से ईश्वर के भी और प्रकृति का भी और अपना भी स्वरूप इसी प्रकार के चिंतन करने से सामने आता है। उपासना से पूर्व जब हम ईश्वर जी प्रकृति इन तीनों का चिंतन करते हैं, तो उसको इस प्रकार से ही देखने का प्रयास करना चाहिए, अपने स्वरूप की का भी थोड़ा सा अनुमान या आभास इसी के आधार पर कर सकते हैं कि इसका कण कितना होगा। हम निश्चय से उससे और सूक्ष्म हैं, इतनी स्थूलता नहीं है प्रकृति, इतनी स्थूलता अपनी नहीं है, उससे कम है। तो अब हम देखते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, ये कितना बड़ा मिथ्या ज्ञान है, कितना गुना, इस रूप में अपने आप को देखें तो कितने बचते हैं, कितने होंगे, मच्छर का भी नहीं आता है कोई, मच्छर जितने भी नहीं होंगे। इस प्रकार से देखें तो कितना अधिक मिथ्या ज्ञान ढो रहे हैं हम, कितनी मूढ़ता को लेकर के दिन रात हम चल रहे हैं। ऐसे विचार करने से, चिंतन करने से धीरे धीरे बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, ईश्वर का भी स्वरूप अपने सामने आता है, प्रकृति का भी आता है, अपना स्वरूप भी सामने आता है। ऐसे तुलनात्मक चिंतन करते रहना चाहिए।